लगता है कि जी डेफिनेटली एजुकेशन जितना एजुकेशन महत्व है उतना हेल्थ हेल्थ आप अपने आप को हेल्दी रखना वो भी बहुत ही ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी होना चाहिए। स्कूल में बच्चे जो हैं वो खेलकूद करें तो खेलकूद एक किस्म की एक्सरसाइज है। तो मैं यही उनसे कहूँगा कि जितना ध्यान आप पढ़ाई में देते हैं थोड़ा बहुत ध्यान खेलकूद में भी देना चाहिए। और डेफिनेटली अभी मेरे ख्याल से सुनने में आया है कि स्कूलों में योगा आपके स्कूल में है योगा, योगा बहुत ही अच्छी बात है कि स्कूलों में योगा पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया को, हमारा एक सॉफ्ट पावर है जो हमें उसे फिर से उस जो हज़ारों साल पहले जो हमारे हमारी जो पैदाश है जो सीख है योगा की वो हम सब बच्चे भी सीखते हैं। और योगा से जहनी तौर पर हर तरह से उससे फायदा है। मुझे हमेशा डांट पड़ती है, पास के मतलब रोज ही डांट पड़ती है। नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल क्या हो गया, पूरी दुनिया जो है वो बहुत ही छोटी हो गई है। एक ज़माना होता था कि जहाँ मेरे ख्याल से कहीं से भी कोई भी अच्छी स्टोरी आए, स्क्रीन पे आए और आपको अगर रोल आपको पसंद आए तो कहीं से भी हो, चाहे वो चाइना से हो, अब चाइना भी बहुत बढ़िया फिल्में बना रही है और फ्रांस में इंटरनेशनल फिल्म हॉलीवुड में तो बनती हैं, हिंदुस्तान में तो बनती है, कहीं से भी अभी अच्छी कहानी तो करनी चाहिए। और आजकल आप जैसे कि इंटरनेट की वजह से और टेलीफोन वगैरह जो भी है, जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो चेंज हो गया है, तो बड़ा आसान हो गया है लोगों को कोई अच्छा टैलेंट देखने का। पहले हमें क्या होता था कि अगर इंटरनेशनल काम करना होता तो हमें एजेंट जो है वो हमें वहाँ जाना पड़ता था उसे ऑडिशन करने के लिए वगैरह वगैरह। अब तो हम स्काइप पे भी ऑडिशन कर सकते हैं और हमारा काम जो है वो उन लोग देख सकते हैं कहीं में। तो मुझे लगता है ये मैंने कहा था जब मेरी फिल्म रिलीज़ हमारी फिल्म रिलीज़ हुई थी, ये तो ये शुरुआत है, देखो आगे आगे देखो
ऐसे बहुत से कलाकारों को बहुत ही अच्छा और बढ़िया काम मिलेगा, मुझे खुशी। नहीं अफकोर्स है भाई, तो सही ना भाई, वो तो सही बात है ना भाई। देखो मैं ये तो है कि आप यू नो दुनिया के प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है और दुनिया आपको देख रही है, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। अनिल सर आजकल क्या हो गया कि बॉलीवुड अभी PNG की बात करो भैया, PNG में जो होता है ना, PNG PNG देखिए, मैं शिक्षा का जो मैं तो चाहूँगा कि कोई ऐसी फिल्म बने जो जैसे PNG कर रहे हैं, कि ऐसी कोई फिल्म बने, ऐसे ही कोई यू नो जो इंकरेज करे, जो एक ऐसा मैसेज पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में फैलाए कि यू नो कितनी ज़रूरी है शिक्षा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्म किसी को बनानी चाहिए, जैसे कि बड़े बड़े जो हमारे फनकार थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने बनाई है फिल्म, जैसे राज साहब ने बनाई और वी शांताराम जी ने फिल्म बनाई है, तो ऐसी फिल्म बननी चाहिए। अरे सर आजकल बॉलीवुड में ये ट्रेंड चला है कि सभी लोग अपना प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठे हुए हैं, तो बाहरी लोगों के चांसेस कितना आप मानते हैं कि जैसे सलमान खान हुए, वो अपना प्रोडक्शन शाहरुख का, अच्छी बात है ना, अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक वो करता है कि डिफ्रेंशिएट क्रिएट करता है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ आपका क्या टेक है? बिल्कुल कोई डिफरेंशिएट नहीं लगता है, मुझे लगता है कि अच्छी बात है, हम जितनी फिल्में बने उतना बेहतर है हमारे इकोनॉमी के लिए और जनता के लिए जो अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि वो जनता जो हमारी कंज्यूमर्स है, यू नो उनसे, वो हमारे अन्नदाता है, उनसे हमें हमारी रोटी पानी मिलती है, तो हम अच्छी अच्छी फिल्में बनाएंगे। तो हमें जितना एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर ऑल्सो, और हम यू नो मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसी भी फिल्म बना सकते हैं जो जैसे मैंने गांधी माय फादर बनाई थी, तो दूसरा कोई प्रोड्यूसर तो बनाता ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि ये बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट। तो एज एन एक्टर मुझे लगा कि मैं बना सकता हूँ, मैं ये फैसला यू नो मैं ये कदम उठा सकता हूँ। तो इसी तरह मेरे ख्याल से कितने जो कलाकार हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं और एक्टर्स हैं, वो इसलिए फिल्म बनाते हैं कि उनको ऐसा लगता है, ये प्रोड्यूसर उनको लगता है कि ये इकोनॉमिकली ये कमर्शियली वायबल नहीं है, तो वो अपनी दिल से फिल्म बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहा कि PNG और शिक्षा पर भी फिल्म बनानी चाहिए, तो हम जैसे कलाकार कर सकेंगे ये सब चीज़ें। Okay, we are always in awe of your talent, right? I'm sure our children, बच्चे कुछ सीखना चाहेंगे कल की मैम से, हाँ एक्टिंग कैसे करते हैं, किसको एक्टर बनना है, हाथ ऊपर करो। हाँ कल की यू ऑलरेडी हैव कॉम्पिटिशन, but if you could share with us some acting lessons, some acting tips, which the children can take back. Wow, this is going to be tough. I think acting is all about language, you know, and all about being able to speak. अच्छे से बोलना पड़ेगा, आई थिंक एज एन एक्टर वो बहुत ज़रूरी बात है कि जो लाइन्स है, जो बोलना है वो बहुत साफ से बोलना चाहिए। तो हम थिएटर में एक एक्सरसाइज करते हैं मुंह खोलने के लिए, हाँ इंग्लिश में वाउल्स जो है ना, AIEOU, हाँ पता है ना, तो बहुत मतलब मुंह खुल के बात करना है, AIEOU करो। ओके एक मिनट बैठ के नहीं होगा, खड़े होना चाहिए। ओके बाहर आ जाओ गुड। हाँ तैयार हो, एक साथ में करते हैं, एक साथ। ओके कल की मैम के साथ, AIEOU पूरा मुंह जोर से सबको सुनाई देना चाहिए। चलो 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 Fantastic. That's really wonderful. I think this is going to be a very, very special lesson. They're going to remember for the rest of their lives. Okay. ये सिर्फ AIEOU का लेसन, ये एक्टिंग का लेसन है. Okay. किस तरह से बोलना चाहिए जब आप एक्टिंग करते हैं. Okay. अब अनिल सर एक लेसन सिखाएंगे. अनिल सर. नहीं सबसे पहले तो मेरे को लेसन कालकी के स्कूल में मेरे को एडमिशन चाहिए अभी. इमीडिएटली. आपने ही कहा था एक्टिंग स्कूल कहीं भी खुल सकता है. हाँ वही वही. तो मैं क्या सिखाऊं यार, मुझे तो सर you know we all for years we've been in awe of you. Okay. I remember you when I watched Ram Lakhan. I remember you when I watched Dil Dhadakne Do. You are just ever youthful. How do you manage that, sir?
manage that? Well, nothing. I just, you know, just what do I do? I'm just happy. Shy now. You made Anilji shy. But I'm just happy. But sir, we just celebrated World Yoga Day. Yes. I'm sure a lot of it goes into you working hard towards exercising and keeping yourself healthy and fit. I, for one, definitely need that lesson. Look at me. Yeah, you need it. Definitely. I definitely need it. Yeah, but our children also would like to know if you could teach us maybe yoga, something in yoga. I must ask them what they want to learn. You see, sometimes it's better that बच्चों को पूछना चाहिए. हाँ, आप लोगों को क्या सीखना है? आप लोगों को क्या करना है इस वक्त? योगा करना है, एक्सरसाइज करना है या डांस करना है? क्या बताओ? क्या करना है आप लोगों को? सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना. बच्चे, अरे बच्चे से पूछ रहे हैं या बड़े योगा करने का है या यू नो जो वर्जिश एक्सरसाइज करना है, क्या करना बताओ? हाँ बोलो, क्या करना है बोलो. दे आर सेइंग डांस करना है. डांस करना है सर, नोन फॉर हिज फैंटास्टिक डांसिंग. अरे यार ये गलत हो गया ना, ये अभी तेरे को बिना पैसे के डांस करना पड़ेगा. सर डांस में चैरिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं. डांस में भी योगा है. अच्छा डांस में भी योगा है. चलो भाई बच्चे लोग चलो सामने अनिल सर के साथ डांस. अच्छा एक ही कंडीशन. हाँ एक ही कंडीशन, कालकी जी को भी डांस करना पड़ेगा. कालकी जी भी करना पड़ेगा. हेलो हेलो एवरीबॉडी प्लीज, कालकी या यार, यू नो यू हैव सच अ ब्यूटीफुल लेडी गर्ल विद सच अ प्योर हार्ट एंड ग्रेट एक्ट्रेस, यू नो, एंड सो शी हैज टू डांस, अदरवाइज You know, even I need inspiration. I take the mic, sir. Mic भी लेने का. चलो भाई, कौन सा गाना है आप लोगों के पास है? अरे AGOG. अरे नहीं यार. AGOG. यार जब देखो AGOG यार, हाँ? Sir. और कोई गाना नहीं है? और कोई गाना है क्या? हाँ? हाँ एक दो तीन. एक दो तीन. कुछ तो चेंज करो यार ये. कैमरा आई डोंट नो. एक दो तीन. एक दो तीन देश आपका. एक दो बच्चों आप लोग तैयार हो? और ये सब बच्चे महाराष्ट्र के हैं. और महाराष्ट्र का एक दो तीन तो बहुत ही, ये बेसिकली मराठी ट्यून थी मालूम है आपको? लाउड हाँ, लाउड चाहिए अपने को. लाउड आवाज बढ़ाओ. सोच रहा था ये तो बिल्कुल क्लासरूम की तरह ही हो गया. आपने AEIOU पढ़ाया, सर ने एक दो तीन पढ़ाया. क्या सर? सर यहाँ पर है सर. अरे मैंने बोला ना करेक्ट. ये AGOG किसको याद नहीं है? एक दो तीन सबको याद है. तो इसमें एजुकेशन भी हो गया और एंटरटेनमेंट भी हो गया. ग्रेट. वेल आई एम श्योर ऑल आवर फ्रेंड्स ओवर हियर आर वेटिंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, बट वी थॉट लेट्स गिव budding journalists of tomorrow a chance to come and ask you a few questions as well. So we've got some budding journalists, our friends over here. Aye, aye, aye. Kasha kai? Kuthe rahto tumhi? Hello? Tu kuthe rahte? Mi andheri na rahte. Andheri na rahte. Kuthe? Tu? Mi andheri. Kuthe? Andheri. Ye sab andheri se aaya. Sab andheri. Ha, tu? Andheri? Ha. Ani tu? Andheri. Andheri. मैं अंधेरी शिफ्ट हो रहा हूँ. okay. ग्रेट. आप अंधेरी तो आप लोग कल्की मैम और अनिल सर से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं. सर आप जब स्कूल में थे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट कोई भी नहीं था. बंक करना मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट. मैं क्लास से भाग जाता था सीरियसली. लेकिन आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोई नहीं था? नहीं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैं बताऊँ कौन सा था? हिस्ट्री. हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. हिस्ट्री क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उसको खाली रटता था. और मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि यू नो पूरी हिस्ट्री जानने के लिए, हिंदुस्तान की क्या हिस्ट्री है, वर्ल्ड की क्या पूरी हिस्ट्री है, ग्रीस की क्या है, रोम की क्या है, यू नो पूरे रशिया की क्या हिस्ट्री है. तो वो हिस्ट्री से मुझे हमेशा आई वॉज वेरी मच इन पैशनेट अबाउट हिस्ट्री. तो हिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट. और हिस्ट्री में क्या कॉपी भी अच्छी तरह कर सकता था मैं.
थोड़ा सा पीछे आ जाए. हाँ, वेरी गुड गुड. आप जब स्कूल में थे तो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा था? मेरा फेवरेट स्पोर्ट, यू सी, बेसिकली दो स्पोर्ट थे मेरे, फुटबॉल एंड क्रिकेट. सो फुटबॉल में मैं गोलकीपर था और क्रिकेट में मैं ऑलराउंडर था. मैं बैटिंग भी करता था और बॉलिंग भी करता था. सर, आप जब स्कूल में थे तब आपके फेवरेट टीचर कौन थे? मेरी फेवरेट टीचर वो होती थी जो मुझे डांटती नहीं थी और जो मुझे यू नो बहुत जब मैं कोई गलती करता था तो मुझे माफ कर देती थी. जब स्कूल में थे तभी आपकी फेवरेट मेमोरी क्या थी? मेरी फेवरेट मेमोरी ये है कि मेरे जितने भी दोस्त थे स्कूल के वो अभी भी मेरे दोस्त हैं. फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरे जो दोस्त थे वो अभी भी मेरे दोस्त हैं और फिर उसके बाद जो जो मैंने दोस्ती की अपने यू नो सब मुझे याद है. मेरे दोस्त का नाम था एलन मंडोनसा, वो एक प्रीस्ट बन गया है. देन देयर वाज एक पारसी लड़का था, उसका नाम था खुशू बलसारा, वो यू नो बहुत तरक्की कर रहा है. और यू नो मेरे सारे दोस्त, तो ये सारी मेमोरीज जो मैंने अपने दोस्तों के साथ यू नो बिताई है, पढ़ाई, हम लोग साथ में पढ़ते थे मिलजुल कर, और वो सब चीज़ें मुझे याद है. फिर हम लोग खेलते थे साथ में और मस्ती करते थे, तो ये सब चीज़ें मेरी सारी बहुत ही फेवरेट मेमोरी है. कल की मैडम के लिए भी कुछ क्वेश्चन पूछो. हाँ, सर के लिए था. सर के लिए था, हाँ जी पूछिए. सर, आप भी महाराष्ट्र है और हम भी महाराष्ट्र है. हाँ. और हम सब मराठी स्कूल से आए, तो आपको मराठी तो आती होगी. हाँ, माला ये हाँ मराठी ये ना. अरे माला ये मराठी का है, का है? ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा जाला खोटा, पावसाला मोटा. कल की सब मराठी? आपको आता है मराठी? नहीं, गशेस. That's about it. चांगलं आहे. खायला ग्रेट. कल की बँक के लिए कुछ सवाल. आप छोटे थे तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद था? अरे मुझे बस ये याद है कि मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद था. मैथ्स में बहुत बहुत वीक थी. Was, is that the reason you were a little hesitant to dance on Ekoti? Yeah, definitely. Yeah. That's another problem. That's another problem. हाँ, पूछो. क्योंकि मैं आप इतनी सुंदर कैसे हो? हाँ, ये तो मैं भी पूछने वाला ये तो मेरी मम्मी और डैडी से पूछना पड़ेगा. और कुछ? हाँ, एक सवाल. आपको डांसिंग आते है ना, थोड़ा सा डांस किया हम लोगों ने? डांस किया वापिस करने का? अरे वापिस? ऐसा नहीं, आज कशा काय काय रे, किती डांस करायचा? ओके, फीलिंग लेफ्ट आउट. हाँ, अभी तो एजी ओजी हो जाए अभी. आप लोग सबको डांस करना है, बच्चे लोग उठो, सब लोग चलो चलो चलो, सब लोग आ जाओ. आपका ये स्पेशल डे है, हमेशा याद रहेगा. चलो, डरने का नहीं, फिर डांस करना. Ma'am, we can see the smiles that PNG Shiksha has managed to bring on the smiles of few of our PNG Shiksha school students today. Imagine 8 lakh students. That's what we want. 8 lakh students to be able to have great education. Just like this, this is a part of education, and 8 lakh students to be impacted. Your final thoughts before we share how everyone can make an impact. I think, you know, the future of our country lies in the children, and as you know, that our country has got the maximum youth power in the world today, and if the and of course the future generation also, which is going to come into that kind of a bracket if they are educated. You can imagine, people say that in a few years
or by 20 years it'll be China and India. But if we really educate all the children, we should become, you know, the number one country of this world. True. Kalki? Yeah, I just think once again that, you know, the idea that we all can help without even realizing it, and seeing where your money goes, seeing that, you know, it's helping our future and our country is a wonderful thing. So yeah, great to be here today. Yes. There's a great line that PhD Shiksha has, which says that, you know, the only weight that a child's shoulder should be carrying is a school bag. Okay? Not the burden of anything else, not the burden of wondering where they'll get education from, but only that school bag, which is such a big symbol of great education, and the great education that PhD Shiksha is providing through its 450 schools that it's built and supported, and the 8 lakh children that it will impact. In fact, we would like to urge everyone, including our friends from the media, to pledge today that they will help children across the country get great education through PNG Shiksha. And we would like you to join us and lead us in that pledge. So we've got this board, pledge board that we have, which is symbolic of what you can do to contribute towards education in the country for the underprivileged by associating with PNG Shiksha. The position's okay? Yes. The position's okay? Kalki, if I'd like, to, like you to join us right here. Yes. This is a symbolic representation of our pledge towards PNG Shiksha and a pledge towards impacting more children in the country with great education. So we've got two of these school bags. One for you, sir. Kalki, one for you. Which says, I pledge my support to PNG Shiksha. And we would like you to stick those school bags on those children's backs. And we would like you to sign those symbolic bags as well, where we all join in pledging that we will work with PNG Shiksha to contribute towards great education for the underprivileged in the country. Thank you very much, Anil sir. Thank you very much, Kalki, for pledging your support to PNG Shiksha. In fact, we have a board similar right outside, and we'd like to urge everyone, maybe if you would tell them, they would definitely go and pledge themselves. Please, 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 it's you know, it's a request, it's a, you know, and I think you all will be doing a great service to the future children and the underprivileged children of our country if you go and pledge. That will really make us happy, and of course, it will make PNG very, very happy. Thank you very much, Anil sir. Kalki, pledge for Shiksha. Please, it would be wonderful to see you guys. Everyone needs Gillette or Whisper or Pantene. So go out there and contribute the best you can. Thank you. Great. Thank you very much. Well, we'll open the floor for questions. I'm sure all of you have been kind enough to ask a few questions to Anil sir and Kalki. Yes, we'd like you to join us right here. But remember, you can all... आप लोग तो आज सुपरस्टार हो गए. अनिल सर, Kalki मैम, we'd like you to join us right here. And if you have your boom mics, we'd like to keep them on the table. अपने अपने boom mics आप यहाँ पर भेज सकते हैं. जरूरत नहीं है. Okay, done. That's good. ये माइक चाहिए? No, no, we are getting audio. Audio is fine. Yes, so we'll open the floor for questions. If anyone has a question. Great.
मेरे सभी फोटोग्राफर दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, उनको उनको भी उनका काम करना है। 2 मिनट्स So questions? Yes. Mics? सभी फोटोग्राफर दोस्तों से रिक्वेस्ट है बैठ जाइए प्लीज। अनिल नीचे होकर फोटो। अनिल सर मैं पूछता हूँ। अनिल सर मेरा सवाल आपसे। अनिल सर एक सवाल है। सर हिंदुस्तान में आज भी लड़कों को स्कूल भेजा जाता है, लड़कियों के साथ काफी प्रॉब्लम्स होती है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कोई बाप का गांव के इंटीरियर इलाकों में नहीं चाहती कि उनकी लड़कियां पढ़ने जाएं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूंगा कि जेंडर इक्वालिटी दैट्स द आई थिंक द इशू ऑफ द वर्ल्ड टुडे एंड आई थिंक स्लोली एंड स्टेडली वी आर रीचिंग टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू नो गर्ल्स हैव टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन बॉयज। दिस इज व्हाट आई फील एंड गर्ल्स नीड टू बी एजुकेटेड more. You know, obviously everybody has to be educated, but I think we should put, underline it, that girls, that's the first thing every family member or everybody and this country and the nation and the politicians and the organizations and the schools and whoever the industrialists, the entrepreneurs, whoever, see to it that the girls are educated, you know, and that's what, that's the need of the hour. And I believe, matter of fact, I in my life have, I always feel, and I say it very, very, that I genuinely feel that girls are much superior to men. And it's not, I'm saying it for effect, you know, but that's the way I've been. Matter of fact, I've had more than boyfriends, I've had girlfriends, friends, you know, very plutonic. And I got along with them and I learned a lot from them. They're intelligent, they're sensible, they can multitask. You know, I think God's, we've been very lucky, we men are very lucky that, you know, we have, you know, women and girls and, you know, and otherwise this world would be completely incomplete. And if they are educated, it's good for us. It's good for all the men in the world. The girls have to be educated. Hello, sir. Hello, ma'am. I'm Udbhav. I'm from the Kids Press, Youth Safe. एंड जो मुझे क्वेश्चन पूछना है कि आजकल स्कूल्स में सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स पढ़ाते हैं, तो स्कूल्स में स्किल्स के ऊपर भी वो होना चाहिए स्किल्स। जैसे मैं फिल्म मेकिंग करता हूँ अपने स्कूल में, तो आपको क्या लगता है कि और कैसे स्किल्स एम्पावर होने चाहिए स्कूल में? देयर इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल क्वोट बाय आइंस्टाइन, यू नो आइंस्टाइन, सो ही वाज क्वाइट अ जीनियस. And he said, you cannot judge a fish by its ability to climb a tree. And it's true that, you know, different people have different skills, not all of them. For example, as I said, I was very bad at maths, you know, and my skills were more in the creative side, you know, in arts and creative writing and acting. So I think, absolutely, I think it's very important to explore that in education, that we give options for kids to hone their skills and the talents that they do have. Any more questions? Of course, you know, I think, you know, what Kalki, I just want to add that because I think skill, you know, you know, there are so many, like I feel sports, you know, in sports also you can make that into a profession. So if you have one of them, you know, that, you know, you can be a great swimmer, you can be a great, you know, sportsman in any field. And, you know, these are skills which have to be mastered. And if they're done, and if they have this kind of foundation in school, it really help, you know, the students. So I think it's very, very important. And like we had carpentry in our school, we had so many things in our school. And all these kind of skills should be encouraged, I feel, you know. And
and of course, and these days the biggest profession is, I think, there should be cooking, you know, and there have been, they are very, very, you know, that's become a great profession, and people, children and youngsters, kids and girls are loving, you know, there are some, I met some great entrepreneurs who have been chefs, who have been become very successful all over the world, and have become multi-millionaires, you know, just by cooking, you know, and so I think that should be encouraged too. So I think skills is, I think, should be one of the most important subjects in the school, any kind of skill. Right. Thank you, sir, for that. I am Siddharth. I am also from the Kids Press, and I would like to ask you that one fond memory from your school, which you think changed you, both of you. Fond memory from your school, which you think that changed you in a positive way? No, I am not. Matter of fact, there is one memory which I have, which is kind of a like a fear. I remember I always wanted to be an actor, and you know, because I didn't, you know, I was not really focused on my academics. But I've never failed in my life. I've always passed. But I used to study at the last moment and still pass, which is wrong, you know, the you know, and something which I learned and which is a memory is I did an elocution competition. I won that elocution competition. I won the second prize, so I felt very, you know, I felt very happy, but somewhere I think, you know, something went, I got a little swollen head. And then I had a debate competition, the inter-school debate competition. So in the school I won, and in the debate competition, I tried to learn it at the last moment. And when I went on the stage, I went blank, completely blank. And I was, you know, I just came, and that memory has had such an impact on me that till today I can't forget. I think I was in the 6th or 7th or 8th standard, I don't remember, I was so young. But that memory is not gone, and that really, really, it's not a fond memory, but it's a memory which really and that's an, you know, something which I can never forget. So after that, whatever I do, I try my best that I prepare. So I think, you know, that's what really I gained from that. So that's one of the memories which I have in my, you know, which I remember from school, that I completely went black when I went on stage. I just didn't know what to say. Okay, man, so frightening. I still have that. So frightening. I still have that problem. For me, it's probably, we had a annual drama school competition. So that's where I first started getting into drama. So every year we would have like an inter-school, many of the schools in Ooty and around Ooty would come together and perform plays and have a competition and stuff. So for me, that was always something I really looked forward to, and you know, I always saw it as a fun thing. I never realized that I was also educating myself for my career at the time. So yeah, it was great. Thank you very much, Anil sir. Thank you very much, Kalki, for spending your time with all the children, for coming out and pledging your support to PNG Shiksha. We are really, really grateful for that. Thank you so much. We'd like to thank all of you. We'll have the one-on-one interviews, which are PR.